सो व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, वेलकम टू द अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम एक ऐसी हॉरर गेम खेलने जा रहे हैं जो कि हॉरर भी है और बच्चों की भी, मतलब स्कैरी चाइल्ड। तो ये कहानी है एक ऐसे सीरियल किलर की जो कि इतना ज़्यादा डेंजरस था कि उसके सामने जो भी बंदा आता था उसे वो डायरेक्टली किल कर देता था। उसने ऐसे ही पता नहीं कितने लोगों का मर्डर कर रखा था। वो इतना ज़्यादा डेंजरस था कि यहाँ तक कि पुलिस भी उससे डरती थी। बट अनफॉर्चुनेटली एक कार एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। आप सोच रहे होगे कि डेथ हो गई, मर गया, ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ है? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो जो सीरियल किलर था वो अपने साथ एक बॉय डॉल रखता था, और जब वो मरा तो उसी समय वो सीरियल किलर की आत्मा उस डॉल के अंदर आ गई और सेम काम वो डॉल भी करने लगी जो कि वो सीरियल किलर करता था। मींस वो डॉल के सामने जो भी बंदा आता था उसे वो डायरेक्टली मार देता था। और आज हम लोगों का टास्क है उस डॉल को मारना। पता नहीं क्या होगा लेकिन मज़ा बहुत आएगा, इसलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो फटाफट से सिलेक्ट करते लेवल 1। द हाउस इज पॉजेस्ड बाय स्कैरी चाइल्ड। बिफोर एंटरिंग द हाउस यू नीड टू फाइंड अ क्रोबार एंड अ लैडर। ऑल राइट, तो हम फाइनली उस भूत बंगले के बाहर आ चुके हैं जिसमें वो सीरियल किलर रहता था, और आज हमारा टास्क है उस डॉल को मार के है शहर के लोगों को बचाना। बाकी यार ये घर सच में बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड है। खैर, क्रोबार तो मुझे यहाँ पर मिल चुका है और लैडर भी सामने ही दिख रहा है। और ये हॉन्टेड घर के आसपास कोई भी घर नहीं है और ना ही कोई बंदा चलते हुए दिख रहा है। आसपास कोई भी बंदा नहीं दिख रहा और फुल हवाएं बहुत ही ज़्यादा तेज चल रही है। और फटाफट से नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर लेते हैं। द मेन डोर इज लॉक्ड, इट नीड्स अ सीक्रेट पासवर्ड टू बी अनलॉक, लुक फॉर द पासवर्ड टू एंटरिंग द हाउस। ऑल राइट, तो ये भाई साहब जी ने नहीं, भूत साहब जी ने मेन डोर पे भी पासवर्ड लगाया हुआ है, लेकिन ये घर में चोरी भी कौन करने आया है? ये पहले ही हॉन्टेड घर है, चोर भी खुलाने से डरे इधर। तो इधर पासवर्ड लगा हुआ है और हमें पासवर्ड इसका ढूंढना है, कौन सा डिजिट होगा, डिजिट वाला पासवर्ड लगा हुआ है। अरे लेकिन बाजू में पासवर्ड लगाया हुआ, भाई फुल बच्चों वाले काम करके रखे, इसलिए ये घर हॉन्टेड नहीं, ये ज़्यादा फनी है। ओके, तो 12 पासवर्ड डाल दिया और फटाफट से हमें नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। देयर इज अ मास्टर की इन दिस हाउस, इट ओपन्स ऑल द डोर्स, यू नीड टू फाइंड इट। ओके, तो हमें इधर एक मास्टर की ढूंढनी है। ए, सुना आपने? वो बच्चा बुला रहा है कि मामा वेयर आर यू। तो हमें फटाफट से ये मास्टर की ढूंढनी पड़ेगी, नहीं तो फिर वो बच्चा सामने आ जाएगा। और शायद से मुझे ये वो बक्से में मास्टर की दिख गई, वो मास्टर की दिख गई। हमें फटाफट से इधर लैडर लगा के ये मास्टर की ढूंढनी होगी। फाइनली मास्टर की मिल चुकी है, नेक्स्ट लेवल। ब्रेक इन टू द गैराज एंड स्टील डिस्ट्रैक्टर, इट विल हेल्प यू फेस कैरी चाइल्ड। ओके, तो हमें इधर एक डिस्ट्रैक्टर ढूंढना है गैराज में जाके। तो फटाफट से गैराज में जाते हैं और एक डिस्ट्रैक्टर ढूंढता है। अलर्ट, अच्छा मतलब वो बच्चा इधर आ जाए तो हमें अलर्ट दिखाता है, तो हमें फटाफट से इधर छुपना होगा। जल्दी से यहाँ पे छुप जाते हैं। ये डोर अनलॉक हो गया, क्रोबार से ये डोर अनलॉक कर लेते हैं और एक गैराज में चले गए और ये डिस्ट्रैक्टर सामने ही पड़ा है। तो फटाफट से डिस्ट्रैक्टर उठा लेते हैं और जल्दी से हमें छुपना पड़ेगा। इधर छुपने के लिए भी जगह नहीं है, नेक्स्ट लेवल फटाफट से क्लिक कर लेते हैं। ओके, यू हैव टू फाइंड द स्पेल बुक, इट विल हेल्प यू ब्रेक द स्पेल ऑफ स्कैरी चाइल्ड। तो हमें एक स्पेल बुक ढूंढनी होगी, इधर ही कहीं पर होगी, लेकिन अलर्ट दिखा रहे हैं, मतलब स्कैरी चाइल्ड का सामने ही है। वो दिख गया। हमें फटाफट से रूम में जाना होगा और फटाफट से भागते इधर कोई स्पेल बुक होगी। ये बच्चे को हम दिख नहीं रहे, शायद से ये बच्चा अंधा हो गया है। ये फटाफट से डोर लॉक कर लिया उसने और हमें ये कबर्ड के अंदर देखनी पड़ेगी स्पेल बुक है या नहीं। वो दिख गए, हमें स्पेल बुक दिख गए, लेकिन अब ये शायद से बच्चा आ रहा होगा इधर, इसलिए वो फटाफट हमें डोर खोल के अंदर जाना पड़ेगा। अलर्ट दिखा रहा है, मतलब इधर हमें स्कैरी चाइल्ड दिख सकता है। इधर हम फटाफट से डिस्ट्रैक्टर लगा देते हैं, या फिर आ रहा है या नहीं आ रहा वो समझ में नहीं आ रहा। इधर ब्लिंक तो कर रहा है, मतलब आ रहा है, तो हमें इधर फटाफट से डिस्ट्रैक्टर लगाना पड़ेगा। फटाफट से इधर डोर अनलॉक कर देते हैं और इधर डिस्ट्रैक्टर लगा दिया। ओके, तो दूसरी लेवल भी पार हो चुकी है। नेक्स्ट, स्कैरी चाइल्ड गेट्स क्रैंकी व्हेन ही इज हंग्री, यू नीड टू स्टील द फूड बॉक्सेस एंड टीज हिम, ही विल गो क्रेजी फॉर नॉट गेटिंग फूड। ओके, तो हमें वो स्कैरी चाइल्ड का फूड स्टील करना है, मतलब हमें वो स्कैरी चाइल्ड का फूड चुराना है जिससे वो स्कैरी चाइल्ड क्रेजी हो जाएगा और हमारे पीछे भागने लगेगा। तो हमें वो फूड बॉक्स उसका चोरी करना है, जितने भी फूड बॉक्स घर में होंगे उसके वो चोरी करना है। ओह शिट, वो स्कैरी चाइल्ड दिख गया हमें, उसने भी हमें देख लिया, तो हमें फटाफट से यहाँ पे भागना होगा।
और वो सामने ही आ रहा है, तो इधर डोर भी लॉक कर लेते हैं। लेकिन पहले देखना पड़ेगा वो स्कैरी चाइल्ड हमें देख रहा है या नहीं। वो स्कैरी चाइल्ड इधर ही आ रहा है लेकिन वो हमें देख नहीं पा रहा है, इसलिए हमें फटाफट से यहाँ पे भागना होगा। और वो स्कैरी चाइल्ड सामने आ रहा है इसलिए हमें ये रूम में जाते हैं फटाफट से। डोर अनलॉक कर लिया और ये दूसरा फूल बॉक्स मिल गया। वो शिट ग्लिच हो रही है, लेकिन फिर भी ये फूल बॉक्स उठा लेते हैं। टैप ऑन हाइड बटन योर सेल्फ। ओके, तो हमें हाइड करना है इधर, जिससे हमें वो स्कैरी चाइल्ड देख नहीं पाएगा। इधर हम फटाफट से छुप गए और वो स्कैरी चाइल्ड हमें देख नहीं पा रहा है। तो अब वो शूट वो सामने आ गया, वो क्रेजी हो रहा है, उसको फूड नहीं मिल रहा है इसलिए उसको खाना चाहिए, लेकिन हमने उसका खाने का डब्बा चोरी कर लिया है। तो फटाफट से हम यहाँ पे निकलते हैं और वो चला गया, इसलिए हमें और एक फूड बॉक्स ढूंढना पड़ेगा। स्कैरी चाइल्ड इज पॉजेस्ड बाय एन ईवी सोल ऑफ द किलर। यू हैव टू फाइट द स्कैरी चाइल्ड एंड फ्री इट्स बॉडी। ओके, तो अभी फाइनली मिशन चालू हो चुका है। मतलब हमें वो स्कैरी चाइल्ड को मार के वो सीरियल किलर की आत्मा उस चाइल्ड में से निकालनी है, और वो चाइल्ड को मारने के लिए हमें एक वेपन चाहिए। ओके, तो स्कैरी चाइल्ड ये सामने ब्रश कर रहा है और वो हमने ये दरवाज़ा लगा लिया। वो क्रेजी हो गया, वो सीरियल किलर की आत्मा एंग्री हो गया हमारे ऊपर, और ये सीरियल किलर की आत्मा सारे डोर लॉक कर रही है और वह अलर्ट दिखा रहा है। हमें फटाफट से वेपन उठाना होगा और वो स्कैरी चाइल्ड को मारना होगा। तो स्कैरी चाइल्ड यहाँ पे डोर अनलॉक करके आ सकता है किसी भी मोमेंट पर, और हमें उसके लिए रेडी रहना है। आ गया, ओ शिट, स्कैरी चाइल्ड आ गया, हमें फटाफट से उसको मारना होगा और ये गेम खत्म। ओ यस, हमने फाइनली स्कैरी चाइल्ड को मार गिराया। उसकी सोल निकल चुकी है, वो सीरियल किलर की सोल निकल चुकी है उस स्कैरी चाइल्ड में से, और हमारा मिशन कम्प्लीट हुआ। ओ नहीं, एक सेकेंड, स्कैरी चाइल्ड अभी तक मरा नहीं है, उसकी आत्मा वापस जिंदा हो गई। इस गेम का शायद से पार्ट टू भी आ सकता है, इसलिए ज़रूर से वेट करना पार्ट टू के लिए। तो चलो, तो यार आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं ऐसे ही जॉयफुल गेमिंग कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।